वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन 5.0 में कहां मिलेगी छूट और कहां जारी रहेगी पाबंदी, ये सब जाने इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 से जुड़ी गाइडलाइंस को जारी किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी और ये गाइडलाइंस 1 जून से लेकर 30 जून तक जारी रहेगी। और कर्फ्यू से मिली राहत, नए गाइडलाइंस के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जो जरूरी चीज़ें हैं उनके लिए कोई भी कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेंगी, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई भी फैसला निकलकर सामने नहीं आया है। और धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे। कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाए, तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल, कॉलेज जुलाई से खोला जा सकता है और 8 जून से रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे। और दूसरे राज्यों की यात्रा पर पाबंदी खत्म। गृह मंत्रालय के नए गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। वही राज्य में भी एक जिले से लेकर दूसरे जिले में जाने की इजाज़त दी गई है। हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में बस इतनी जानकारी है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।